सबसे पहले हम खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमने 1 कप इमली को 1 कप गुनगुने पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। ये देखिए इमली जो है वो अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इमली को इस पानी के साथ ही एक बर्तन में डाल देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, यानी कि खट्टी मीठी चटनी के लिए हमने इसमें टोटल 2 कप पानी ऐड कर दिया। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, तो 1 कप इमली के लिए हम इसमें 1/4 कप यानी कि 3/4 कप चीनी ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसालों में हमने लिया है 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून सिंधा नमक। देखिए सिंधा नमक की जगह आप 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर सकते हैं। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद लो फ्लेम पर हम इसे कुछ देर तक पकाएंगे, जब तक ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद हमने लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। अब देख सकते हैं कि ये थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर इसे अच्छे से ठंडी कर लेंगे। देखिए चटनी के इस मिश्रण को हमने रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम छन्नी की मदद से इसे छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण इसमें ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से चलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह छान लेना है ताकि इसमें से छिलके और रेसे अलग हो जाए। ये देखिए हमारी पानी पूरी की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। ये जो हमने चटनी बनाई है इसकी आधी क्वांटिटी का इस्तेमाल हम पानी पूरी का मीठा पानी बनाने में करेंगे। तो हमने खट्टी मीठी चटनी में से आधी क्वांटिटी रख ली है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी। ये देखिए 1 कप पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे बर्फ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हमारा पानी पूरी का जो मीठा पानी है वो भी बनकर बिल्कुल तैयार है। पानी पूरी का तीखा पानी बनाएंगे इसलिए हमने मिक्सी जार में लिया है 2 कप हरा धनिया और 1 कप पुदीने के पत्ते। देखिए हरे धनिये को आप इसकी डंडी के साथ लीजिएगा, इसकी डंडी में ज़्यादा फ्लेवर होता है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो सूखे मसालों में हमने ली है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सिंधा नमक। सिंधा नमक की जगह आप 1 टीस्पून नमक भी ले सकते हैं या फिर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें। और ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून अमचूर और 1 टेबलस्पून चाट मसाला। अब इसमें जाएगी 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 3 छोटी हरी मिर्च। साथ ही में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे मिक्सी जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसे मिक्सी जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तीखा पानी बनाने के लिए हमने ग्राइंड किए हुए मिक्सचर को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। मिक्सी जार को खंगाल कर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं हम इसमें, तो तकरीबन हमने इसमें 1 से 1.5 लीटर जितना पानी ऐड कर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बर्फ। देखिए इस स्टेज पर आप इसमें बेसन की बूंदी भी ऐड कर सकते हैं, हमने उसे स्किप किया है। तो यहाँ पर हमने पानी पूरी का तीखा पानी बना लिया है। देखिए हमने तीखे पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। इस स्टेज पर आप चेक कर लें, आप अपने हिसाब से इसमें जो भी मसाले वगैरह कम लग रहे हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम पानी पूरी की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 750 ग्राम बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। इन आलू को हमने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 100 ग्राम बॉईल किए हुए चने,
और ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। सारे मसालों को आलू और चने के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। तो हमने पानी पूरी की स्टफिंग भी तैयार कर ली है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। पहले बनाएंगे खट्टी मीठी पानी पूरी। हमने पानी पूरी की रेडीमेड पूरी ली है, इसमें हम इस तरह से होल करके स्टफिंग भर लेंगे। ये जाएगी खट्टी मीठी चटनी में, फिर जाएगी मीठे पानी में और फिर तीखे पानी में। तो खट्टी मीठी पानी पूरी तैयार है। अब हम बनाएंगे मीठी पानी पूरी। पूरी में होल करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे स्टफिंग। अब ये जाएगी खट्टी मीठी चटनी में, फिर जाएगी मीठे पानी में। तो मीठी पानी पूरी भी तैयार है। अब बनाएंगे तीखी पानी पूरी। पूरी में होल करके इसमें स्टफिंग भरेंगे। ये जाएगी खट्टी मीठी चटनी में, फिर जाएगी तीखे पानी में। तीखी पानी पूरी भी तैयार है। सो गाइस, आज की हमारी पानी पूरी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।